कोविड में तो हम लोग आए हैं तो सेफ्टी के साथ आए, लेकिन कितने लोग हैं यहाँ पर कि मास्क नहीं लगाए, मास्क लगाना ज़रूरी। कोरोना को ऐसे भी भूलना ही था। कोविड को लेके अगर कोई बोले कि मास्क लगाइए, इट कांट बी पॉसिबल, ये चीज एकदम हम नहीं करते। हमारा देश चलाने वाला ही गंदा सिस्टम पे बैठा हुआ है, हमारा देश चलाने वाला ही गंदगी फैला रहा है, तो लोग, युवा, जनता, सारे लोग गंदगी को फैलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। आज नया साल है, 2021 का आगाज हो चुका है, शुभारंभ हो गया है, और इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी पटना के इको पार्क में, जहां पर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहना चाहूंगा, अमित जी जरा दिखाएं यहां पर जिस तरीके का शाम ढल रही है, लेकिन यहां पर लोगों की जो एनर्जी है वो कम नहीं देखने को मिल रही है। लगातार लोग उत्सुक हैं और यहां पर पार्क में जो है घूमने को जो है सब कुछ अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ यहां पर लोग, कई लोग हैं जो यहां पर आप इको पार्क में देख सकते हैं कि यहां पर लोग घूमने आ रहे हैं, और सब में उत्साह है, सब में खासा उत्साह है। नया साल जो 2021 है, नया साल है, उसको लेकर जुनून है, खासा उत्साह है, और वो यहाँ पर आकर पटना के इको पार्क में कई लोग हैं जो यहाँ पर आकर बयां कर रहे हैं, और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं जो खुद इको पार्क घूमने भी आए। उनसे हम बात करते हैं कि नया साल वो किस तरीके से मना रहे हैं। सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा, नाम क्या है आपका? जफर आलम। कहाँ से हैं आप? फुलवारी शरीफ। इको पार्क में आप लोग आए, आज नया साल का जो है आगाज़ है, 2021 आ गया है, और इसका आप लोग लेकर आप दोस्त लोग सारे आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर, किस तरह का उत्साह देखने को आपको मिल रहा है इको पार्क में, क्योंकि कोविड भी है, कोविड को लेकर कई पार्क जो है बंद है, इको पार्क खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरीके से पूरा देखा भी नहीं जा रहा, क्योंकि कई लोगों के अगर चेहरों पर देखें तो उनको मास्क भी नहीं है, आप लोगों ने पहन रखा है, ये भी अच्छा है, पर आप बताइए कि कोविड में आप लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरह का उत्साह है देखने को जो मिल रहा है? कोविड में तो हम लोग आए हैं तो सेफ्टी के साथ आए, लेकिन कितने लोग हैं यहाँ पर कि मास्क नहीं लगाए, मास्क लगाना ज़रूरी है, अभी भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। अभी कोरोना का स्ट्रेन भारत में आ चुका है और ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, यूके से जो आया है, लेकिन जिस तरीके की, मैं आपने जरा वीडियो चलने से कहूँगा, जरा दिखाइए यहाँ पर जिस तरीके की भीड़ है यहाँ पर, खासा उत्साह जो लोगों में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर लोग जो है पटना के इको पार्क में आके अपनी जो नया साल का जश्न है वो मना रहे हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरीके से नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप बताइए अपना नाम क्या है? मेरा नाम राशिद आलम। नया साल है आज, कैसे जश्न आप जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, हम लोग अभी इको पार्क में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्त लोग के साथ खा पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। क्या कुछ मतलब यहाँ के ऐसे इस पार्क की क्या कुछ विशेषता आपको जो आज नया साल आपने यहीं आके मनाना अच्छा समझा? यहाँ के बोलते हैं आपको बहुत सब आदमी आते हैं यहीं से, या भीड़ बहुत से होता है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है इको पार्क में हमें। नया साल है, 2021 भी आ गया है, लोगों में लेकिन जिस तरीके का उत्साह है यहाँ पर, कोविड का जो गाइडलाइंस का उस तरीके का पालन भी नहीं किया जा रहा है, आप लोगों ने मास्क लगा रखा है लेकिन लोग पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, जो मास्क नहीं लगा लगाना ज़रूरी है, अपना ये अपना कोरोना इसको अपना ध्यान देना चाहिए जी। तो लोगों में एक उत्साह है जो कि आज ये आकर जो पटना के इको पार्क में, ये 2020 चला गया है और 2021 का शुभारंभ आज है, और आज 1 जनवरी है, और उसको लेकर कई लोग पटना के इको पार्क में आए हैं। मैं अपने वीडियो जो ज़रा कहना चाहूँगा, एक बार जाने से पहले आपको फिर मैं दिखा देता हूँ, ये पटना का इको पार्क जो है, शाम ढल रही है लेकिन अब भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो है अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कई लोगों के आप चेहरे पे देखेंगे तो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस दी गई है, मास्क बहुत लोग नहीं लगाए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कई युवा भी हमारे साथ हैं, वो भी किस तरीके से नया साल मना रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर चतुर्वेदी पड़ेगा। कहाँ से आते हैं? मैं पटना से अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कैमूर जिला का रहने वाला हूँ। नया साल का जश्न है आज, 2021 आ गया है, आपने पटना का इको पार्क ही क्यों चुना यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए, क्या कुछ खास है? यहाँ माहौल जो है मतलब बहुत अच्छा बनता है, और मतलब जो युवा आते हैं यहाँ पे अपना पूरे ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए, तो हम लोग को खुशी होती है लोगों के बीच में आकर के, और हम लोग आकर के सभी भाइयों के बीच में खुश होते हैं, अपने फ्रेंड हैं उन लोगों से मैं बात करता हूँ, सभी से बात करता हूँ, तो ये बहुत सारी मस्ती होती है यहाँ पे। सवाल बताइए, यहाँ पर कई पार्क है जो अगर बिहार की बात करें तो कई ऐसे पार्क है जहाँ पर कोरोना को लेकर
पार्क जो है बंद कर दिया गया, लेकिन पटना का ये इको पार्क है खुला हुआ है, भीड़ है यहाँ पर और बहुत लोगों के मुंह पर अगर हम देखें चेहरे पर तो मास्क भी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्या लोग भूल गए क्या कोरोना को? ऐसे भी भूलना ही था क्योंकि जब आपकी इलेक्शन आती है चुनाव के समय आपको कोरोना नहीं दिखता है। कोई नेता एक भी मंच पे मास्क लगाकर नहीं जाता था, कोई रूल फॉलो नहीं हुआ, तो आप पब्लिक से क्या डिमांड चाहते हैं? पब्लिक से कुछ डिमांड नहीं हो सकती है। अगर हमारा देश चलाने वाला ही गंदा सिस्टम पे बैठा हुआ है, हमारा देश चलाने वाला ही गंदगी फैला रहा है, तो लोग, युवा, जनता, सारे लोग गंदगी को फैलाएंगे। मैं इससे एकदम बिल्कुल संतुष्ट हूँ। ये जो लोग भी कर रहे हैं अपनी सावधानी से लेके करें, लेकिन मेरा यही कहना है कि सावधानी तो बरतनी है ना, सावधानी इससे तो बढ़ रहे हैं। सावधानी अगर लोग जो बरत रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन आप, मैंने तो नहीं सुना कि मेरे किसी रिलेशन में कोरोना हुआ या किसी को भी हुआ, क्योंकि मैंने नहीं सुना है, ना कोई भी सुना है। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि कोरोना का कोई प्रभाव पड़ रहा है इंडिया में, चाहे कहीं भी नहीं दिखता है मेरे को। मतलब आपके रिलेटिव में किसी को नहीं हो कोरोना तो किसी को नहीं हो रहा है, पर केसेस तो बढ़ रहे हैं ना भाई? केसेस बढ़ रहे हैं, मैं तो नहीं सुनता हूँ, बस हल्ला होता है कि नहीं यहाँ कोरोना है, लेकिन आप वहाँ पे जाइए। आपके हिसाब से जिस तरह कोविड बढ़ रहा है, यहाँ पर लोगों को मास्क लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए? मास्क यहाँ पे देखिए, भीड़ में ही संक्रमण का खतरा है। मैं बता रहा हूँ, मास्क एक यूजफुल चीज़ है। आप इससे एटमोस्फेरिक जो जितने भी ऑक्साइड हैं, गलत जो गैसेज हैं, आप उनसे बचते हैं, धूल से बचते हैं। ये खुद की प्रोटेक्शन है, खुद की समझ होनी चाहिए। लेकिन कोविड को लेके अगर कोई बोले कि मास्क लगाइए, इट कांट बी पॉसिबल, ये चीज़ एकदम हम नहीं करते हैं, चाहे कोई भी नहीं करता। तो लगातार आप देख रहे हैं युवाओं में भी अलग जोश है, वो भी 2021 का जो है वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन कोविड का गाइडलाइन जिस तरीके से यहाँ पर फॉलो बहुत लोग नहीं भी कर रहे, उस पर भी उनका कहना है कि कोविड को लेकर उन्होंने, जो युवा है, उन्होंने सरकार को घेरा है कि इलेक्शन के टाइम लोगों ने क्यों नहीं लगाया था, नेताओं ने क्यों नहीं लगाया मास्क। तो ये तो सरकार ही जाने, सरकार बेहतर समझती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पटना के इको पार्क में लोग जो है न्यू ईयर का जो है जश्न मना रहे हैं, वो खुद में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर वो मास्क नहीं पहन रहे और कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में खतरे का ये घंटी हो सकता है। फिलहाल नया साल है, 2021 की शुरुआत हो चुकी है और आज 1 जनवरी है और यहाँ पर इको पार्क में अब भी गजब की भीड़ है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।